गुजरात के गांधीनगर में हो रहे 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का पहला दिन धमाकेदार रहा। यहां कई देशी विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। अडानी, अंबानी, टाटा, मारुति सभी ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की बात कही। ग्रीन एनर्जी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने तक, शिक्षा, खेल से लेकर रोजगार तक, सभी में कंपनियों ने अपने सहयोग की बात कही। इसी के साथ यूएई की एक कंपनी ने भी भारत में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। कौन सी है ये कंपनी और क्या है निवेश की योजना, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। यूएई के इस कंपनी का नाम है डीपी वर्ल्ड। डीपी वर्ल्ड भारत के बंदरगाहों की तस्वीर बदलने जा रहा है। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए यूएई के राष्ट्रपति के साथ ही कंपनी के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम भारत आए थे। इस दौरान ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और सर्विस कंपनी डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने कहा कि उनकी कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए के समझौते पर साइन किया है, जिसके तहत वो नए बंदरगाह, टर्मिनल और इकोनॉमिक जोन डेवलप करेगी। इस एमओयू साइन होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी मौजूद रहे। डीपी वर्ल्ड के सीईओ का कहना है कि कंपनी भारतीय सामान को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव और सुलभ बनाने के लिए भारतीय लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ साझेदारी करना जारी रखेगी, साथ ही गुजरात और देश के दूसरे जगहों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का समर्थन करेगी। बयान के मुताबिक कंपनी दक्षिण गुजरात और कच्छ की ओर पश्चिमी तट के करीब मल्टीपर्पज पोर्ट, जामनगर और कच्छ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और दाहेज, वडोदरा, राजकोट, बेदी और मोरबी में गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों और निजी माल ढुलाई स्टेशनों का विकास करेगी। डीपी वर्ल्ड ने गुजरात के तट पर अतिरिक्त बंदरगाह विकसित करने के अवसरों की पहचान के लिए गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के साथ एक और समझौते पर साइन किया है। बता दें, गुजरात में डीपी वर्ल्ड पहले से ही मुंद्रा में एक कंटेनर टर्मिनल के साथ अहमदाबाद और हजीरा में रेल से जुड़े निजी माल ढुलाई टर्मिनल संचालित कर रही है। डीपी वर्ल्ड ने 2003 में मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के उद्घाटन के साथ गुजरात में अपना परिचालन शुरू किया था। डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन का कहना है कि कंपनी ने गुजरात के साथ साथ भारत के दूसरे राज्यों में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। साथ ही डीपी वर्ल्ड अगले कुछ सालों में 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की योजना बना रहा है। Started our operation in Gujarat in 2003 with the opening of the Mundra International Container Terminal. Since 2003, DP World have invested in the state of Gujarat as well in other states in India in the tune of $2.5 billion to develop multimodal logistics, ecosystem connection port to free trade zone, container freight station, inland rail terminal, contract logistic, cold chain and express cargo services. DP World is planning in the next 3 years to invest in addition to that, $3 billion. We will continue to support Gujarat economy by building state-of-the-art container terminal at Kandla with a capacity of 2 million containers. Looking ahead, we foresee deeper trade, employment, and cultural collaboration between India and UAE. बता दें, टाटा ग्रुप ने भी गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण का ऐलान किया है। वहीं टाटा ग्रुप 2 महीने में साणंद में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 20 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री शुरू करने वाला है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 10 साल तक गुजरात में कंपनी का निवेश जारी रहने की बात कही है और 2030 तक गुजरात की कुल ग्रीन एनर्जी खपत का आधा हिस्सा हासिल करने में मदद करेगी। अडानी ग्रुप ने भी साल 2025 तक गुजरात में 55,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान किया। साथ ही ग्रुप अगले 5 साल में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा। भारत के ऑटो सेक्टर में ग्रोथ की संभावना को देखते हुए मारुति सुजुकी इंडिया ने भी गुजरात में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की बात कही और इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इस प्लांट की क्षमता सालाना 10,00,000 यूनिट होगी। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।